नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी ब्रीदिंग सीरीज में कि भाई प्रेगनेंसी में कैसे ब्रीदिंग करते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं तो उस अकॉर्डिंग आज एक वीडियो बनाएंगे हम कि ब्रीदिंग कंपाइलेशन का, कि कैसे आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं सेफली एंड मोर इफेक्टिवली। तो सबसे पहले जस्ट आप रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। आपको कोई खाली पेट का ध्यान नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्टमक भी नहीं होना चाहिए। आप कुछ आराम से अपना ब्रेकफास्ट करके भी बैठ सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाली पेट नहीं हो। और कंफर्टेबली बेड पर या किसी कंफर्टेबल सॉफ्ट सरफेस पर बैठें, नीचे नहीं बैठें, कोई भी आसन पर, मैट पर, या जैसे आप अपने बेड पर भी कहीं पर भी अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। तो इट्स सो इफेक्टिव। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले जस्ट बी कंफर्टेबल इन एनी सिटिंग पोज, ठीक है। और ये प्राणायाम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप बैठकर, लेटकर आराम से अपने कंफर्टेबल पोस्चर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे सेमेस्टर वाइज करें तो इस जो हम प्राणायाम आपको सिखा रहे हैं वो आप हर ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज हम एक पूरी प्रेगनेंसी का एक होल पैकेज लेके चल रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी सेफ प्रैक्टिस जो आप किसी भी ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप बैठे कंफर्टेबली, मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ कि यस आई एम डूइंग द प्राणायाम प्रैक्टिस, स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। और आपको दिक्कत आए तो पीछे पिलो लगा के आराम से कंफर्टेबल होकर बैठिए, ओके। एंड देन आलती पालती या कोई भी वज्रासन में, उसके बाद सबसे पहले वन एंड ऑन द चेस्ट और वन एंड ऑन द नेवल, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप इस तरीके से एक हाथ नेवल पर और एक हाथ चेस्ट पर, जस्ट टू फील योर अवेयरनेस, पूरा आप अवेयर हो जाए अपने आप को। और सबसे पहले जस्ट क्लोज योर आईज और जस्ट फील कीजिए योर नेवल मूवमेंट्स, नाभि ऊपर और नीचे, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। तो सबसे पहले हम करेंगे योगिक ब्रीदिंग, इसमें ब्रेथ अवेयरनेस है, वन एंड ऑन द चेस्ट, वन एंड ऑन द नेवल। फिर आप धीरे से आप इनहेल करेंगे तो नाभि ऊपर आएगी और एक्सहेल करेंगे तो धीरे से नीचे, इस तरीके से। अब इसमें तीन फेज स्टेजेस हो रही हैं, इनहेल, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो स्टमक बाहर आ रहा है, चेस्ट ओपन हो रही है और शोल्डर पीछे जा रहे हैं। व्हेन यू एक्सहेल स्टमक नॉर्मल, चेस्ट इन, शोल्डर इन। तो आराम से आप ऑटोमेटिकली लंग्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं टू गेट मोर ऑक्सीजन। ये देखिए, अब जो प्रेगनेंसी स्टूडेंट्स हैं उनको पेट बहुत ज्यादा अंदर नहीं करना है, उनको पेट नॉर्मल रखना है। तो क्या करेंगे, फिर इनहेल, ओके, एंड स्माइल। स्माइल आपको बिल्कुल हमेशा रखनी है क्योंकि हर बेबी स्माइलिंग ही अच्छा लगता है। तो हम चाहेंगे जितने भी हमारे प्रेगनेंसी स्टूडेंट्स हैं उनके बेबीज भी स्माइलिंग बेबीज बने। तो आपको स्माइल रखनी है ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस कंफर्टेबल होकर। सो योगिक ब्रीदिंग, इनहेल नेवल आउट, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, एक्सहेल नेवल नॉर्मल, चेस्ट इन, शोल्डर इन। वन मोर टाइम, इसको आप 5 to 7 टाइम्स कर सकते हैं। फिर वापस, सो यू फील सो रिलैक्स एंड काम। और जो भी स्ट्रेस वगैरह चल रहा था, थॉट्स चल रहे थे, वो आप धीरे धीरे रिलैक्स कर पाएंगे। तो अब हम धीरे धीरे सेकेंड प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रैक्टिस करेंगे हम लेफ्ट नोसल ब्रीदिंग। हाँ, आप कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो उन लोगों को ये प्रैक्टिस अवॉइड करनी है, बाकी अगर नॉर्मल वेदर है तो आप इस प्रैक्टिस को आराम से कर सकते हैं। इट रिलैक्स योर नर्वस सिस्टम, इट एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोमेटिकली जो फोबियाज हैं, जो डर है और जो बहुत सारी एंग्जाइटी है, घबराहट है, वो सारे रिलैक्स हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे। तो क्या करना है, राइट नोसल को क्लोज करना है, लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, बिना किसी होल्डिंग के, क्योंकि हम सब ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं। तो फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सहेल, फिर इनहेल, ओनली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्टल, ओके, मैक्सिमम। एंड एक्सहेल शुड बी लॉन्गर देन इनहेल, एक्सहेल में ज्यादा टाइम लगाए। फिर इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, ओके। दिस इज प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 7 to 9 राउंड्स। एक एक्सहेल, एक इनहेल,
आपका हो गया कंफर्टेबल, जस्ट बी इन रिलैक्स एंड फील द चेंजेस, यू फील मोर काम एंड कूलिंग इफेक्ट इन योर बॉडी, ठीक है। एंड देन फॉर आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए, हार्मोनल एक्टिविटी को और प्लस बॉडी में हैप्पी हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए, बिकॉज मदर हैप्पी होगी तभी बेबी हैप्पी होगा, तो हमको आप सबको हैप्पी और स्माइलिंग भी रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उज्जयी प्राणायाम, तो आपको इसको कहते हैं शीशोर की तरह गले से आवाज निकालनी है, देखिएगा, और फिर लेफ्ट नोस्टल से एक्सहेल, ध्यान रखिए होल्डिंग नहीं करनी है और जस्ट आवाज निकालने की कोशिश करनी है। आप आवाज निकालेंगे ऑटोमेटिकली इनहेल ही होगा, ये बॉडी का ऐसा ही बिल्डअप है। सो इनहेल, पहले आवाज निकालिए एंड एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट, इट्स सो रिलैक्सिंग और बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट, तो ये आवाज शीशोर की तरह आएगी और ऑटोमेटिकली जब आप ये आवाज निकालेंगे, शुरू में हो सकता है आपकी छोटी छोटी ब्रेक में आए, थोड़ी मोटी आए, क्योंकि प्रैक्टिस से, तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से ही आपकी बहुत अच्छी आवाज हो जाएगी। तो आपके बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को, थायराइड हेल्थ के लिए, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए और हैप्पी हार्मोन के लिए ये उज्जयी प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद अच्छे से हथेलियों को रब कीजिए और टूवर्ड्स हर्ट आपको गले पर मसाज देनी है, ताकि जो भी स्टिमुलेशन आया है वो गला रिलैक्स कर पाए। और आपको अगर लग रहा है कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, तो आप हल्का सा स्लाइवा गल्प कीजिए या थोड़ा पानी पी लीजिए, तो आपको ठीक लगेगा और बहुत इफेक्टिव है। तो अब ये हम तीन प्रैक्टिस कर ली हमने, अब हम फोर्थ प्रैक्टिस करेंगे, द बेस्ट एंड द मोस्ट रिलैक्सिंग वन, मोर इफेक्टिव वन, दैट इज कॉल्ड अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या करना है आपको, इस तरीके से नासिका मुद्रा बनानी है, ईच नोस्ट्रल एक्सहेल देन इनहेल, द अदर नोस्ट्रल एक्सहेल और इनहेल, और पूरी तरह से एक्सहेल करना है तो एकदम मैक्सिमम और इनहेल भी मैक्सिमम, फिर एक्सहेल फिर इनहेल, कोई होल्डिंग नहीं करनी है, स्लोली स्टडीली बिल्कुल धीमे धीमे आराम से और कोई टाइम देखकर नहीं, जस्ट 7 to 9 राउंड्स कीजिए आराम से, बिल्कुल यू फील सो रिलैक्स काम एंड कंटेंट। सो बहुत अच्छे से आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा। सो घड़ी बार बार देखने की कोशिश नहीं कीजिए, आपने एक्सहेल किया, इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया, दैट इज़ ए परफेक्ट वन राउंड। तो ऐसे आप 7 to 9 राउंड्स कीजिए, ऑटोमेटिकली यू फील सो रिलैक्स एंड काम, ठीक है। अब इसके बाद जो हम फिफ्थ प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी को हम दो तरीके से करते हैं, तो दोनों तरीके से मैं आपको बताती हूँ, जो आपको पसंद आए उसको एंजॉय करते हुए करना है, कोई भी प्रैक्टिस एंजॉय करते हुए पॉजिटिव अप्रोच के साथ। सो फोल्ड योर टंग, ओके, क्लोज योर ईयर्स, क्लोज योर आईज एंड चैंट इन लीस्ट 5 टाइम लाइक दिस, बिल्कुल रिलैक्स होकर, ओके, इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, ये बहुत फ्रंटल ब्रेन है। अब हम भ्रामरी करेंगे, वही टंग को फोल्ड करना है, हथेली से कानों को बंद करना है, हथेली से कानों को बंद करना है और फिर धीरे से आपको क्या करना है, म का उच्चारण देखिए, बिल्कुल आराम से इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए म का उच्चारण लाइक हनी बी साउंड। सो इट्स सो रिलैक्सिंग फॉर योर ब्रेन सेल्स, स्ट्रेस लेवल, मेमोरी लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली अपने आप को इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो यू फील मोर बैलेंस एंड स्माइलिंग, क्योंकि जैसे आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहेंगे वैसे ही बेबी भी रहेगा। तो बी हैप्पी हेल्दी स्माइलिंग ऑलवेज, ओके। और अब उसके बाद जस्ट अपने ये प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद जस्ट टू रिलैक्स एंड एंजॉय द चेंजेस, और इसमें हम ओमकार का उच्चारण करेंगे 5 टाइम, सो यू फील रिलैक्स और काम। तो एक छोटा सा मेडिटेशन की टेक्निक भी हो जाएगी, आप अपने लेवल पर भी इसको घर बैठे कर सकते हैं लाइक दिस, इनहेल फिर इनहेल, जितना आपसे हो, और ये ओम तीन वर्ड से बना है इसलिए हम अ उ और म,
तीनों का अलग अलग उच्चारण करेंगे। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बनाया था, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो फिर वापस इनहेल, सो स्माइलिंग एंड फील द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इंजॉय दिस ब्यूटिफुल मोमेंट विद ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द पॉजिटिविटी। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन कनेक्ट टू अस। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड विश यू ए वेरी हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू।